चाहिए करण अर्जुन की रिमेक। क्या फैंस फिर से सलमान और शाहरुख को साथ देखना चाहते हैं? क्या करण अर्जुन में दिखेंगे ऋतिक रोशन? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1995 की आइकॉनिक फिल्म करण अर्जुन के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी पांच वजह हैं जो ये साबित करती हैं कि करण अर्जुन 2 क्यों बननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन एक ऐसी फिल्म है जो हर 90s का बच्चा आज भी देखना पसंद करता है, और उसे फिल्म के डायलॉग्स, गाने, फ्रेंडशिप और कहानी सब कुछ जुबानी याद है। ये फिल्म इतनी फेमस और हिट थी कि लोग और अपने बच्चों के नाम भी करण अर्जुन रखते थे, और अगर किसी को दोस्त की जोड़ी अच्छी हो तो उसे करण अर्जुन बुलाया जाता था। मानो दोस्ती हो तो करण अर्जुन जैसी हो, वरना ना हो। अब उसी आइकॉनिक फिल्म का रीमेक तो बनना ही चाहिए, और इसके अलावा भी काफी ऐसी वजह है जो ये साबित करती है कि करण अर्जुन 2 आनी ही चाहिए। सबसे पहले ये वजह है कि शाहरुख और सलमान का आइकॉनिक डुओ, जो इस फिल्म की मेन हाईलाइट भी था। हम सभी इस डुओ को फिर से एक साथ एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इस फिल्म के बाद काफी उतार चढ़ाव दिखे उनकी दोस्ती में, लेकिन आज दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब उनके बाद आते हैं दूसरी वजह पर, तो वो बनती है राकेश रोशन का डायरेक्शन। करण अर्जुन के साथ साथ कोयला, खून भरी गंगा और खुदगर्ज जैसी फिल्में काफी रिफ्रेशिंग थी। उसके बाद उन्होंने कोई मिल गया की ऋतिक रोशन को लेकर बनाई, और फिर वो अपने बेटे के साथ ही फिल्में बनाते हैं। तो अब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो किसी नए हीरो के साथ कोई नई कहानी बनाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। वो करण अर्जुन ने भी कुछ नई कहानी लेकर ऋतिक को कास्ट कर सकते हैं, और हमें सलमान, शाहरुख और ऋतिक एक साथ नजर आ सकते हैं। अब अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो वो है पुनर्जन्म की कहानी। आखिरी बार ऐसी पुनर्जन्म की कहानी हमने शाहरुख और दीपिका की ओम शांति ओम में देखी थी। उसके बाद और कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई गई, और वो एरा वापस आता है तो दर्शकों से जरूर पसंद करेंगे। अब उसके बाद आते हैं चौथी वजह पर, जो है राखी गुलजार का कमबैक, जिनका मॉम ऑफ हिंद सिनेमा कहा जाता है। आज तक बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी एक्ट्रेसों ने माँ के किरदार को निभाया, लेकिन दुर्गा प्रताप सिंह जैसी माँ आज तक नहीं बनी। उनका विश्वास कि मेरे करण अर्जुन आएंगे फिल्म की मेन हाईलाइट में ऐसे एक बनता है। और अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन पर, जो कि है 90s की मसाला फिल्म का कमबैक। करण अर्जुन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो मिस किया जा सके। फिल्म में ड्रामा है, परिवार के बीच का प्यार है, दो भाइयों का प्यार है, धमाकेदार एक्शन है, और एक विलेनियस ठाकुर भी है। पुनर्जन्म वाला एलिमेंट है, रोमांस है, एवरग्रीन गाने हैं, और बेजुबानी याद रहे ऐसे डायलॉग्स। अब ऐसी फिल्म आजकल नहीं बनती, इसलिए करण अर्जुन 2 बननी ही चाहिए। क्या आप करण अर्जुन 2 में सलमान और शाहरुख को एक साथ देखना पसंद करेंगे? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ। वी विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।